हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा क्या है, किचन है और मैं हूँ। तो आज मास्टर शेफ ऑन हो चुके हैं, मेरे अंदर का शेफ जग चुका है। तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। गला क्या बैठ रहा है। तो मैं आज बना रहा हूँ पाव भाजी। तो अभी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये मैंने टमाटो कट कर लिया है, ये सब्जियाँ हैं, ये आलू है, इसको भी मैश कर लेंगे। और मेरा तड़का तैयार है, इसमें मैंने डाला है हरी प्याज डाली है। हरी प्याज थोड़ा कच्चा बना उसमें होता है ना, वो डाला है। और बाद में ऊपर से थोड़ा सा इसको डाल देंगे। तो मैंने कहा आज कुछ मूड चेंज करने के लिए, एक्चुअली मैं गया था दही लेने, तो वहाँ मुझे पाव भाजी दिख गई। तो मैंने कहा आज पाव भाजी ही बनाता हूँ। तो मम्मी का प्लान था मेथी का साग बनाने का। ये देखो साग काट के उठी, मैंने सारा प्लान चेंज कर दिया। तो अभी बन रही हमारी पाव भाजी। तो कितने लोग पाव भाजी के फेवर में हैं, तुम खाओ पाव भाजी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाओ। चलो तुम्हारे, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हारे खाना, तुमको नहीं खाना है, तुम्हें खाना है पाव भाजी? हाँ कि ना, खाना है? नहीं खाएंगे अभी, चलो बच गया। खाएंगे। खाओगी? हाँ। कितना? इतना बड़ा, इतनी बड़ी पाव भाजी उतनी? मम्मी तो, मम्मी तुम खाओ पाव भाजी बताओ। नहीं तो क्या खाओगी? निमोना। अच्छा, मम्मी का निमोना रखा है ठंडी में। तुम्हारा निमोना निमोना बना बना के तुम खा के एकदम दिमाग खराब रहता है। और क्या, पाव भाजी बैगन पड़ता है, शिमला मिर्च पड़ता है, जो भी डाल दो सब पड़ता है। क्या चीज़ बैगन? अच्छा, अभी पैर में चोट लगी है तो उसने बैगन। हाँ, तो अभी पाव भाजी मैं कहा थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए, बहुत बढ़िया महक रहा मेरा। अरे अभी बनने का है तो कौन सा बनने में रुक जाएगा। आलू कम है क्या? आज नहीं, एक्चुअली ये डिसाइड होता पापा और मैं बनाएंगे कल, लेकिन पापा पापा कह रहे हैं पापा को बनाना केवल देसी आइटम आता है, ऐसे बड़ा हो गया, फरा हो गया। तो पापा मेरे बढ़िया बनाते थे, अब नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा भूल गए हैं। एक बार मुझे याद है बैगन की सब्जी मैंने खाई थी, तो उसमें मिल गया था कीड़ा एक छोटा सा। तो पापा ने कहा ये लहसुन है, लहसुन है, उसको फोड़ दिया बेचारे को। फिर उसके बाद खाना किसी ने खाया। आलू इतना सही है, आलू कम है, कम नहीं है, ज्यादा खाएंगे हम, तुमको देंगे नहीं। तो नहीं, कम है। मतलब सोचो तुम्हारा भाई कितना तुम्हारी करता, तुम्हारी खाना बना, तुम्हारा काम खत्म कर दिया है। तुम्हारा काम अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। ना आटा गूंदना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत खुश है मेरा। खाने को तो मिलेगा ही, बना बना खाने को मिलेगा। ऊपर से रेसिपी बताओ, कितना कितना होनहार तुम्हारा भाई है, बताओ। है बब्बू? हाँ उतार लो ना मेरी, देख लो मुझसे काम कराया था। पापा का, पापा क्या कर रहे हो? मेरे को मिलाता हूँ पापा से, तड़का दे लेगा। पापा मेरे बाहर बैठे होंगे, पापा अपने रूम में बैठे हैं। क्या हुआ, क्या बहस चल रही? कुछ नहीं है? बताओ कुछ नहीं। क्या बताओ, कल मम्मी भाई जाएंगे न्योता में, ये मेथी मम्मी तैयार की थी काट के, ये कैंसिल हो गई। हाँ मम्मी कल न्योता जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा माइंड चेंज करना, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैं बना दूँ पाव भाजी। बहुत दिनों से मम्मी करती बेटा, खाने को मिलेगा बहुत सारा, ढेर सारा सामान। नहीं नहीं मम्मी कहती बेटा बहुत दिन से पाव भाजी खाने का मेरा मन, तो मैं कहा बना देता हूँ मम्मी, इतनी सी बात तो मैं रख ही लूँगा। ये दुपट्टा मेरे पास क्यों आ गया? नहीं ये मेरे पापा लेटे हुए यहाँ पे, पापा मेरे कृष्ण कन्हैया बन के लेटे हैं। तो आप लोग देख, मेरे पास बैठ नहीं पाते बिल्कुल, उनको आराम से बिल्कुल बैठा, बिल्कुल बैठेंगे। अच्छा तो कुछ कम बोलो। तो ये हमारे पापा हैं, तो पापा आज पाव भाजी खाएंगे। पापा इससे पहले खाई पाव भाजी? खाए तो है, खाए हैं, तो हमको नहीं खिलाया, अकेले अकेले खा लिए। नहीं तो बहन कहाँ, पाव भाजी नहीं बनाई है एक बार भी, वो बर्गर था। अच्छा हाँ, तो हमारे पापा अभी स्कूटी चलाना सीख गए हैं, तो स्कूटी से कहता हूँ जाए को ऑफिस, लेकिन जाते नहीं, वो साइकिल से जाते हैं। तो अब से मैं इनको भेजूंगा, आज मैंने फील्डिंग करा दी है, तो ये जाएंगे कल से स्कूटी जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और फिर उसके बाद पापा को कार सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल सिखाओ। हाँ तो कल हम और पापा घूमने जाएंगे कार से, उसका ब्लॉग बनाएंगे आपको दिखाएंगे। तो पापा हम सोच रहे हैं आपका भी एक बना दे चैनल अलग यूट्यूब पे। हैं? नहीं यही बना दी, यही बना दी। नहीं अलग नहीं चाहिए चैनल, बना दे अलग चैनल। नहीं नहीं अलग नहीं, इसी में। अच्छा लो जाओ बल्टी पानी में पड़ी, काम आ गया। मम्मी आती नहीं पापा को काम तो मिलता है। मम्मी जाती थी पापा मुर्गा। मम्मी पापा की तू तू में चलती रहती है, तो इस चक्कर में तड़का ना जल जाए, मैं तड़का अपना देखता हूँ।
तड़का सही है, अभी जलत नहीं तड़का मेरा। हम देखे ही नहीं, मेरा काम नहीं। अरे यार तुम लोग एकदम मेरे भरोसे बैठ गए हैं, जानती हूँ मैं काम शुरू करता हूँ पूरा नहीं करता हूँ। तो अभी मैं इसको मैं थोड़ा सा अपना फोकस ब्लॉग से हटा के इस पे दूँ, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है अगर ढंग का नहीं बना। तो अभी आपको दिखाता हूँ बनने के बाद कैसा लगता है। अक्सर भूल जाता हूँ बनाना बात का ब्लॉग, लेकिन मैं आज दिखाऊंगा। ये वो सब रेडी हो चुका है, ये आलू मिर्च हो गया है, ये टमाटो कट गए हैं, और ये हमारे पाव भाजी, मतलब अभी पाव है, पाव भाजी अभी नहीं हुआ, पाव ये है, भाजी रेडी हो रही है। तो आपको बनाएंगे, बड़ा टेस्टी सी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आप खा सकते नहीं हो। तो आपको अगर खाना हो तो आप अभी भी आ सकते हो, कभी आइए मेरे पास। हाँ, कमेंट बॉक्स में क्लिक, मतलब कमेंट करिए क्या खाना है आपको। मैं आप यू आर मोस्ट इन्वाइटेड, आइए मैं आपको अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। पापा तुम पानी बनो के यहाँ। अच्छा पापा आओ, तुम हेल्प करो मेरी। पापा भैया तड़का जल गया। जला नहीं है, फ्राई हो रहा है। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर में। पापा तब तक लो, पापा लो बनाओ, लो बाद में नहीं दिखाएं, तब तक बनाओ पापा। पापा नहीं, पापा मेरे फोन से कह रहे हैं, उनका अलग चैनल चाहिए, उनको ब्लॉगिंग करनी है। तो बाद में मिलते हैं, बाय। हमारा पाव भाजी रेडी हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। ये हमारी भाजी है, ये भाजी, और ये साथ में पाव, तो कि आपको अच्छे, और साथ में प्याज है, और मैं हूँ, तो कि आपको दिखाता हूँ। हमारा पाव भाजी रेडी हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। ये हमारी भाजी है, ये भाजी, और ये साथ में पाव, तो कि आपको अच्छे, और साथ में प्याज है, और मैं हूँ, तो कि आपको दिखाता हूँ। ये भाजी रेडी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया महक रही है। ये इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिया ऊपर से, और ये पाव है, साथ में प्याज हो गया, और सब लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए विद अपने अपने मोबाइल के साथ अलोंग विद टीवी। चलो आओ खाने के लिए आओ पापा, आओ। तो फ्रेंड्स अभी मैं पाव भाजी रेडी हो चुकी है और अब खा रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ गया। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपने ऐसा कुछ नया ट्राई किया जो फर्स्ट टाइम बनाया, क्योंकि मैंने पहली बार बनाई ये पाव भाजी, इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया है। बाय, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ खाने का, तो अभी बाय करता हूँ।